प्रणाम सभी भाइयों को, वेलकम बैक अदर व्लॉग। पहुंच गए भाई आज पिंपासर धाम, गुरुजंबेश्वर भगवान को जन्म हुए जठे और यो कुछ दृश्य भाई गुरुजंबेश्वर भगवान के घर के बाहर को और निर्माण कार्य भी चल रही है। और गुरुजंबेश्वर भगवान को जन्म इसी घर में हुए तो भाई ठीक है। और यो भी मेन गेट है और इसके अंदर पूर्व जाके दिखावांगा किस तरह गुरुजंबेश्वर भगवान को घर आज 550 साल बनोड़ो है और आज की कंडीशन है कैसा ठीक है ना। देख लो चर्चर हालात हो रखी है अभी वर्तमान में। और इसके बाद में ये देखो इसमें इस तरह आकृति दे रखी है पूरे के अंदर और ये यहाँ नगाड़ी और बेल लगा रखी है। और इसके बाद में एक राइट हैंड के अंदर पूरा कमरा बन रखा है, इसके अंदर गुरुजंबेश्वर भगवान की फोटो तस्वीर लगा रखी है। और ये यहाँ ये पता नहीं किस चीज़ का बन रखा है, मोतियों का बन रखा है, शंख वगैरह का। और गुरु महाराज की ये सब पुराने भाई, जब गुरु महाराज का जन्म हुआ था ना तब के लगे हुए और तब का बना हुआ है ये पूरा का पूरा मकान। ये देख लो किस तरह एकदम, और अंदर से पूरी जर्जर हालात हो रखी है। तो भाई इसकी साल संभाल करने की सख्त ज़रूरत है, ये पेटियाँ वगैरह और साफ सफाई तक ना हो रखी है इसमें। ये पुराने उनके धागे वगैरह सब कुछ इसमें रख रखे हैं देख लो भाई। और ये पेटी है इसके, ये पुराने बही खाते वगैरह इसमें पड़े हैं एकदम, इसकी मतलब कोई सरंग सा वगैरह कुछ नहीं है, कांच की पेटी के अंदर तक बंद नहीं हो रखे हैं पूरे के पूरे। और उसके बाद में इस कमरे से बाहर निकलने के बाद में जैसे ही हम एंटर होते हैं इस गेट से, मेन गेट है, इसके बाद में लेफ्ट साइड में ये गुरु महाराज के ये देख लो भाई। ये मतलब मुझे ना पता भाई ये गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान की फ़ोटो है या पता नहीं किसके। और उसके बाद में ये लेफ्ट साइड के अंदर गुरु महाराज का शयन कक्ष है, यहाँ ये चारपाई का बढ़िया बेड लग रखा है गुरु महाराज का और इसके ऊपर चादर वगैरह लगा रखी है। और अपन भी थोड़ा राज की चादर वगैरह और सामने वो तलवार और गुरु महाराज के पुराने फोटोज जो भाई जूम इतने ही हो रखे हैं, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहे मुझसे तो, क्लियरिटी फट रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये पूरे फोटो गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान के रूम में लग रखे हैं भाई। और इसके बाद में एक तस्वीर इधर और लग रखी है, ये देख लो भाई इसमें कुछ क्लियर दिख रहा होगा तो। वहाँ पे भी भाई बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई है इसी के अंदर, चादर के अंदर ठीक है। और इसके अंदर बाद में डायरेक्ट सीधा एंटर होते हैं यहाँ तो गुरु महाराज के चौगान के अंदर, पूरे घर का जो आंगन होता है उसके अंदर एंटर होते ही ये गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान की पुरानी प्रतिमा और सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या हो रखी है ठीक है ना। वाड़ वाड़ गुरु ज्ञान सफल हो चुका 85 और गुरु महाराज की खड़ाऊ, ये गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान के जो हम वर्तमान में हम पहनते हैं वो होती हैं चप्पलें और ये पूरी लकड़ी की बन रखी है और इन्हें खड़ाऊ बोलते हैं भाई ठीक है। पूरा डिटेल्ड वर्क हो रखा है इसके ऊपर बढ़िया तरीके से। ये भाई गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान पहनते थे अपने पैरों के अंदर ठीक है। तो इसको तो भाई कांच की पेटी में सही तरीके से बंद करके रख रखा है ताकि इसे और कोई नुकसान ना हो किसी और चीज़ से ठीक है। और ये हस्तलिखित गुटिका है गुरु महाराज की लगभग है जो ये यहाँ रखी हुई है, बहुत पुरानी है मतलब हाथ लगाएंगे ना तो भी मतलब जर्जर होकर फट सकती है। और इसके बाद में इस साइड में भाई एक कमरा बना रखा है ये जो अभी वर्तमान फिलहाल बंद है लगभग भाई जर्जर हालात के कारण। और ये भाई बड़े बड़े बर्तन इसमें भाई दूध वगैरह इकट्ठा करती थी गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान की माँ हंसा माता। और ये चूरा बोलते हैं इसे, बहुत बड़े बड़े हैं ये दोनों, इनको भी भाई एकदम कांच की पेटियों के अंदर सही तरीके से संरक्षित। देखो इसमें क्या डाल रखा है,
ये पीपीज की बोतलें वगैरह इसके अंदर डाल रखी हैं जो ना होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने पात्र हैं और इनको संरक्षित होके रखना चाहिए। इसके ऊपर ये कुछ लिखा भी है, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस पे नाम लिखा हुआ है चौधरी हरस्वरूप सिंह कांट, और इस पे कुछ नाम वगैरह ढूंढ रहे हैं भाई, कुछ लिखा हुआ होगा तो कुछ संकेत मिले। बहुत हैवी है भाई, कम से कम ये 2 किलो का एक कड़ा कड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एक ये बना, ये भी रख रखा है यहाँ। इनको भाई सख्त सख्त कांच की पेटियों में बंद करके रखने की ज़रूरत है, और साल संभाल की पूरी ज़रूरत है। देख लो कितना गंदा हो रखा है बीच में अंदर से पूरा, क्योंकि आज तो भाई हम देख पा रहे हैं, अगर इनकी साल संभाल ना हुई ना तो भाई हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो इनको ना देख पाएगी, ये पक्की मैं गारंटी के साथ कह सकूँ, ठीक है। तो गुरु महाराज जम्मेश्वर भगवान आ चीज़ों की जानकारी आमने आने वाली पीढ़ियाँ होनी बहुत ज़रूरी है भाई, तो इसके लिए आ चीज़ों की साल संभाल होनी भी ज़रूरी है। मेरे तो भाई जो हो सकेगा वो करूँगा, जो भी भाई आ चीज़ों के लिए सहयोग दे सके वो भाई अठानी सहयोग करो। और अपंग तो बड़ो समाज है, विष्णु समाज है, तो आ चीज़ों ने संरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है भाई। तो कांच की पेटी में कम से कम आ चीज़ों ने तो भाई कांच की पेटी में बंद करके रखा करो, ताकि आ चीज़ें नुकसान ना हो सके भाई, ठीक है। और ये सब बर्तन पात्र है जो पुराने गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान और उनकी माता फैमिली वगैरह उनके यूज़ किया करते थे। ये चीज़ें ये पूरी की पूरी भाई अलमारी के अंदर सही तरीके से लॉक वोक लगा के पैक कर रखी है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। पर भाई साल संभाल और साफ सफाई की इनको भी ज़रूरत है, कांच वगैरह इनके भी टूट रहे हैं ये, ठीक है। अंदर से ऐसे भाई छोटे छोटे कमरे बनाए हुए थे, ये सब पुराने ज़माने के अपने स्टाइल से बना रखे थे, गेट भी छोटे छोटे बना रखे हैं ये देखो। और उसके बाद में एक ये सब भाई ये इसके जो गेट है ये भी गुरु जम्बेश्वर भगवान के उस टाइम के ही है, पुराने गेट है ये देखो। इसका आधा भाग तो टूट गया है, आधा भाग अभी बच रखा है ये देख लो। उसके बाद में एक ये गुरु महाराज के गीता वगैरह पढ़ने के लिए ये लगा रखा था। इसके अंदर भाई कुछ चीज़ रखी हुई तो थी पर अब ना है, अब सिर्फ पैसे रख रखे लोगों ने। और एक ये सीक्रेट दरवाज़ा भी था अंदर, पता नहीं इसके अंदर भाई ये है, ये था। इसके बाद में ये भाई कोठा बोलते हैं इसे, मारे मारवाड़ी में बोले कोटो, क्योंकि इसमें खान पीन की चीज़ें जीवन पीवन की चीज़ें इसमें रखा करा, ठीक है। और यू भाई हमारे घर में भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है। आज चीज़ें ने भाई पूरी की पूरी धूल में भर रखी है, और इसके ऊपर तो कितनी बढ़िया कलाकारी हो रखी है भाई, केदारनाथ जी का लगभग ये कलश है भाई, और इसके ऊपर बहुत ही शानदार ये देखो बढ़िया तरीके की कलाकृति हो रखी है। पर यह पूरा धूल से भर रहा है, और यह चिप्पी वगैरह सब कुछ इसमें पड़ी है गुरु महाराज की चिप्पी वगैरह, ये चाकी वगैरह उससे आटा पीसते थे। ये भाई चकलोटा है, इतनी बड़ी रोटी बनती थी पहले के ज़माने में भाई, कितना बड़ा चकलोटा है देख लो, इस चकलोटे पे रोटी बनती थी भाई पहले, ठीक है ना। और एक तो ये भाई पूरा का पूरा टूट चुका है, खंडित हो गया है। और इसके बाद में ये देख लो चिप्पी वगैरह सब कुछ रख रखी है। और ये भाई दो चीज़ें हैं क्या है, ये भी एक कमरे के अंदर रख रखी है कुल मिला के। और इस कमरे का भी हालात आप देख लो भाई, सीढ़ों की पट्टियाँ लग रखी है, पुराने ज़माने की भी है इनने भाई के मेरा मन ध्यान को नहीं भाई, लगभग भाई हड़ है बड़दा के ऊपर या ऊँठा के ऊपर लगाने वाला है भाई, ये जोड़ो है पूरा, क्योंकि पुराने ज़माने में ऊँट खेती के लिए भाई काम आवा था। पर ये भाई छोटे छोटे गेट और बारो कितनी लकड़ी मजबूत ही भाई, आज 500 साल हो गया है इन लकड़ी ने उसी तरह पड़ी है, ठीक है, बड़ी मजबूती है। और उसके बाद में एक कमरा यू है भाई इस तरफ है, और इस कमरे के अंदर अभी ये एक दरवाज़ा टूट चुका है इसका भी, और पूरा का पूरा ये छोटे छोटे आड़े वगैरह बना रखे हैं बोले अगर भाई, ठीक है, जरोका वगैरह बोले अगर ने हवा आने के लिए छोटे छोटे कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए ये छोटे छोटे कमरे बनाते थे ये। और अब इसके अंदर तो भाई आटा चक्की लगा रखी है, कमरा ये भी था पीछे की ओर पूरा, ठीक है। ये सब चीज़ें पुरानी हैं भाई, या लकड़ी आज तक 500 साल पुरानी है या, ठीक है ना। ये गुरु महाराज की आस का है भाई, जय गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान। यो भाई पूरो गुरु जम्बेश्वर भगवान के घर को टूर हो,
ठीक है। यो देख लो भाई, गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान को घर ऊपर ते भी किस तरह बन रखो है, ठीक है। बनुड़ो है भाई, मार मारवाड़ी बोले तो कुकर बनुड़ो है जम्बेश्वर भगवान को घर, तो ओ इंडल बनुड़ो है, ओ भाई टीन शेड है तो बाहर लगा हुआ है, ठीक है। और बड़ा पात्र तो मैं आपने बता दिया था, उसके बाद में ऊपर भाई ये सीढ़ियाँ जावे भाई, ठीक है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान भी इन सीढ़ियाँ ते ऊपर जाया करता, ठीक है नी। इन सीढ़ियाँ ते छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं बहुत ही मतलब एक, और इसके बाद में चारों तरफ का ही नज़र आए भाई, ठीक है। वो ऊपर बन रखा है, अब हम माड़ियों बोलिया करे, दुम दुम बोलिया करे, वर्तमान में आप मकाना ऊपर बनाया करा, गुरु महाराज के बेटा में और गुरु महाराज की धर्म ऊपर फहरा रही है, इस तरह फहरा रहनी चाहिए भाई, धर्म ने कोई आँच ना आने देवा, और पीछे दोरो बन रखियो, ठीक है। ए गुरु महाराज की खड़ा हुआ है भाई, जो कुछ है भाई ये चीज़ें आज तक बची हुई है भाई, 500 साल से गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे भाई सब भाई यहाँ पे, और आप वहाँ पे भी जय गुरुदेव। यहाँ भी भाई कुछ बना हुआ था, पता नहीं एक जगह यहाँ, एक दो, एक तीन चार, और ये पांच जगह पूरा पूरा, एक दो तीन चार और पांच जगह, पता नहीं तोड़ तोड़ के वापस सही किया है, ठीक है। और मैं और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है भाई, ऊपर जाने के लिए बड़ा गेट है ये, और यो पत्थर है ना भाई, यो भी पत्थर 500 साल पुराना है, ठीक है सब चीज़ें। और इस तरफ वापस इसके सटा गए भाई गुरु महाराज को, नयो मंदिर नयो मकान बोलना जो भी, नयो घर बन रही हो भाई इस तरह, ठीक है। इस साइड में ऊपर गए, तो भाई मैं तो एक ही बात कहूँ, ये वीडियो दबान शेयर करो पूरे विष्णु समाज तक है, और इसी मकान ने भाई वापस से रिनोवेट करके और साल संभाल करके सही रखने का प्रयास करा भाई, अब सारा विष्णु ही मिलन है, ठीक है। ये मिशन मैं पूरा मेरे तन मनो साथ हूँ भाई, ठीक है ना, कदे भी जरूरत पड़े तो फिर पास रहा हूँ भाई, ठीक है। और ये ना ये चीज़ें भाई आगे बार बार ना होती, ये अवतार थे गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान है, और कब भाई पता नहीं वापस कब अवतार ले, तो इन चीज़ों को उनसे जुड़ी हुई है भावनात्मक तरीके से भाई सबके, तो इन चीज़ों को सही तरीके से सलामत रखना अपनी जिम्मेवारी है भाई, ठीक है ना। तो इस जिम्मेवारी को हमें बखूबी निभाना है भाई साहब, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सब भाइयों को साथ मिल के, और इस चीज़ ने पूरी तरह इसी चीज़ ने सही तरीके में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और तो क्या बात है भाई, सारी चीज़ें आई जगह दिखा दी, जो भी कोई और बात हुआ भाई तो बता दियो, मैं देखी जगह जगह और मन जो चीज़ सही लगी बात चीज़ मैं बताई हूँ भाई, ठीक है नी। कृति शानदार शानदार आकृतियाँ आई चुनने पोतण की वजह पूरा पूरा इसमें छेद है भाई, चुनने पोत दियो तो इनकी जो मूल स्वरूप हो वो मूल स्वरूप बिगड़ गो भाई, ठीक है ना। किसी चीज़ का यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल होने के लिए भाई मूल स्वरूप मैं बिल्कुल भी भाई अपने तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपंग विश्व विरासत ही है, आप बहुत बढ़िया चीज़ है, और गुरु महाराज की घर है भाई। तो और किस तरह बीच में रंगोली वगैरह होती है प्रश्न में, किस तरह कौन सा पत्थर लागूड़ो भाई नीचे देख लो भाई, मैं बढ़ते ही पोड़ बोलिया करा इन्हें, ठीक है ना। गुरु महाराज के तो वो मेन गेट है भाई, ये तो एंट्री वे, और ये दो साइड दो कमरे बन रखे हैं, एक ये और एक ये, और आपोड़ होगी बीच में, और इसके बाद में ये होगी गुरु महाराज को आंगन है, फिर एक कमरों दो कमरा तीन कमरा चार कमरा पांच, और इसके अंदर एक और कमरा छः, फिर इसके ऊपर छत वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके मेंटेन है भाई। तो भाई इस वीडियो में करियो दबान शेयर है, मिला अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ है। तो के लिए बाबा जय हिंद जय भारत, बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय भाई। वो ही बेरो है भाई ये बट है जम्बेश्वर भगवान है, इंग में पानी सींच है और गया को पानी पिलाता करता जम्बेश्वर भगवान। हरिओम महेश।